हेलो एवरीवन इस वीडियो में हम लोग करेंगे असेसमेंट ऑफ लर्निंग विच इज़ अ टॉपिक ऑफ अप्रोचेज ऑफ असेसमेंट एम में भी है बी में भी है दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है प्लस और भी एग्जाम्स में आता है तो अगर आप इसके बारे में इंफॉर्मेशन ले रहे हैं या पढ़ रहे हैं इट्स ओके नाउ असेसमेंट ऑफ लर्निंग इज द प्रोसेस ऑफ मेजरिंग एंड इवेल्युएटिंग स्टूडेंट्स नॉलेज अंडरस्टैंडिंग एंड स्किल्स इन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट इज नाउ बिफोर आई मूव अहेड मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ बता देती हूँ देखो असेसमेंट ऑफ लर्निंग असेसमेंट फॉर लर्निंग असेसमेंट एज लर्निंग ये चीजें क्या होती है ना ये साउंड सेम कर रही है बट इसके अंदर डिफरेंस है जैसे इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें मैंने असेसमेंट फॉर लर्निंग बताया था ना असेसमेंट फॉर लर्निंग जो होता है वो एक ऐसा टाइप का असेसमेंट था जिस जो आप करते हो जो असेसमेंट आप लेते हो ताकि बच्चों को साइड बाय साइड आप फीडबैक दे सको उनके साथ इंप्रूवमेंट कर सको या फिर जिसे कहना चाहिए अगर वो लर्निंग जो कर रहे हैं उसके लिए ताकि वो और अच्छी लर्निंग कर सके जब आप असेसमेंट ऑफ लर्निंग पे आ जाते हो ये थोड़ा सा चला जाता है असेसमेंट 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 की साइड नाउ व्हाट इज जो आपका होता है वो साल के एंड में एक बार होता है जिसका रिजल्ट आता है तो आपको दे देते हैं कि आपका रिजल्ट ऐसा रहा आपने इतना लर्न करा ठीक है फॉर्मेटिव होता है जो पूरे साल चलते हैं तो जो असेसमेंट फॉर लर्निंग है वो फॉर्मेटिव की साइड रहता है लेकिन असेसमेंट ऑफ लर्निंग सबेटिव की साइड आ जाता है क्योंकि यहाँ पे आपने जो पढ़ा है उसको हम लोग देख रहे हैं कि आपको कितना आया सो so, असेसमेंट ऑफ लर्निंग इज द प्रोसेस ऑफ मेजरिंग एंड इवेलुएटिंग आर स्टूडेंट्स नॉलेज तो इसमें हम क्या करते हैं हम देखते हैं कि बच्चे को कितना समझ में आया उसकी नॉलेज को असेस करते हैं और ये देखते हैं कि बच्चे की अंडरस्टैंडिंग कितनी थी क्या स्किल्स उसने डेवलप करे एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट एरिया में बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है एजुकेशन का और इससे ये भी पता चलता है कि बच्चे ने लर्निंग ऑब्जेक्टिव को मीट किया या नहीं किया ठीक है ये बात समझ में आई सो असेसमेंट ऑफ लर्निंग इज द प्रोसेस मेजरिंग एंड इवेल्युएटिंग स्टूडेंट्स नॉलेज अंडरस्टैंडिंग एंड स्किल्स इन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट एरिया काफी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है अगर हम देखें कि बच्चे ने क्या चीज अचीव करी है उस चीज के साथ हम मेजर करना चाहते हो ठीक है नो फीचर्स ऑफ असेसमेंट ऑफ लर्निंग देखिए असेसमेंट ऑफ लर्निंग टैन टेक इन मेनी फॉर्म्स बहुत अलग अलग तरीके से ये हो सकता है जैसे कि टेस्ट एस प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन असाइनमेंट इन सब के थ्रू आप पता लगा सकते हो कि बच्चे ने कितना लर्न किया ना हर तरह के असेसमेंट के अपने एडवांटेजेस होते हैं अपने डिसएडवांटेजेस होते हैं ठीक है और जो सिलेक्शन होता है असेसमेंट मेथड का वो डिपेंडेंट होता है किस पे लर्निंग ऑब्जेक्टिव पे कि क्या आप देखना चाहते हो कि बच्चे ने लर्न करा है अगर आप बच्चे की लैंग्वेज टेस्ट करना चाहते हो कि बच्चा कितना अच्छा बोल पा रहा है तो उसमें आप लिखने वाला टेस्ट नहीं लोगे ना सो बेसिकली आप उसमें ओरल टेस्ट लेने वाले हो तो यहाँ पे आप असेसमेंट मेथड को सेलेक्ट करते हो ऑन द बेसिस ऑफ द लर्निंग ऑब्जेक्टिव या फिर द नेचर ऑफ द सब्जेक्ट एंड द डिजायर्ड आउटकम जो आप चाहते हो कि डिजायर्ड आउटकम आए नाउ इन टेक इट टेक्स प्लेस एट द एंड ऑफ द लर्निंग एक्टिविटी नाउ जो फॉर्मेटिव होता है मैंने बताया था ना जो असेसमेंट फॉर लर्निंग होता है वो साथ के साथ चलता रहता है के साथ फीडबैक मिलता रहता है लेकिन इसके साथ क्या होता है ना असेसमेंट ऑफ लर्निंग ये होता है एंड ऑफ द लर्निंग एक्टिविटी के लिए मतलब जब आपकी लर्निंग एक्टिविटी खत्म होगी तब ये लिया जाएगा या कोर्स खत्म होगा तब ये लिया जाएगा ताकि हम ये देख सकें कि आपको कोई चीज कितनी समझ में आई या आपका नॉलेज लेवल कितना है ठीक है इस मेथड को यूज किया जाता है ग्रेडिंग के लिए आपको मार्क्स देने के लिए या फिर आपको सर्टिफिकेट देने के लिए आपके सर्टिफिकेशन या ग्रेडिंग प्रोसेस में इसको यूज किया जाता है एंड इसमें एग्जाम्पल्स आ गए फाइनल एग्जाम स्टैंडर्डाइज टेस्ट एंड टर्म पेपर ये सब आपके लिए जाते हैं ताकि आइडिया लगे ठीक है ना इट्स पर्पस इज टू मेजर एंड इवेलुएट द स्टूडेंट नॉलेज पर्पस क्या है हम चाहते हैं कि बच्चे की नॉलेज का पता लगाए बच्चे की अंडरस्टैंडिंग का पता लगाए और क्या जो हमारा गोल था वो बच्चे ने अचीव करा सपोज सिक्स के एंड में आपका टेस्ट हुआ के में टेस्ट हुआ की नहीं हुए हो कई बार बच्चे फेल हो जाते हैं क्यों क्योंकि बच्चा शायद उस लायक नहीं हुआ जो बेसिक उसको मार्क्स चाहिए थे वो नहीं ला पाया तो वो एक आपका ऐसा हुआ जो असेसमेंट ऑफ लर्निंग हुआ ठीक है मतलब कि आपने जो पढ़ा उसका असेसमेंट लेना नाउ ये अगेन आफ्टर द लर्निंग एक्टिविटी इसको एडमिनिस्टर किया जाता है मतलब इस असेसमेंट को लिया जाता है लर्निंग एक्टिविटी के लास्ट में जब लर्निंग एक्टिविटी खत्म हो गई है एंड इससे इसका गोल वही है कि हम इवेलुएट करना चाहते हैं ओवरऑल अचीवमेंट किसी भी बच्चे की ठीक है जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है इसका वो क्या है कि आप बच्चे की परफॉर्मेंस देखोगे एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक एरिया में उसको हम बच्चे को हम ग्रेड कर सकते हैं न्यूमेरिकल uh, स्किल्स पे यानी नंबर्स दे के लेटर ग्रेड पे ए बी सी डी ई एफ जो भी है एंड उससे हमें फाइनल बच्चे का ग्रेड पता चलता है ताकि ये पता चले कि बच्चे ने लर्निंग ऑब्जेक्टिव अचीव करे कि नहीं किए नाउ दिस इज समथिंग जो आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा देखिए फॉर्मेटिव मैंने आपको क्या बताया था फॉर्मेटिव होता है फॉर लर्निंग ठीक है तो वो साइड बाय साइड चलता रहता है तो उसमें आपको फीडबैक मिलता रहेगा ये ठीक करना है ये करना है ये करना है ऐसा नहीं कि ये ग्रेडिंग या सर्टिफिकेशन के लिए हो रहा है लेकिन ये वाला जो है ठीक है असेसमेंट ऑफ लर्निंग ये थोड़ा सा ज्यादा फॉर्मल हो जाता है क्योंकि ये किसकी साइड है सबमेटिव असेसमेंट की साइड है एंड इसको हम लोग यूजुअली एडमिस्ट करते हैं कंट्रोल कंडीशन में अगर मुझे देखना है कि बच्चे ने कितना लर्न करा तो मैं ऐसा नहीं कि पूरे साल साल भर उसको मतलब आप समझ रहे हो मैं उसके एंड में उसका एक टेस्ट लूंगी जिससे मुझे पता चलेगा एक होता है कि लर्निंग के साथ साथ लेते रहना ये वो वाला नहीं है इसलिए ये थोड़ा सा ज्यादा फॉर्मल की साइड आ जाता है नाउ इसको डिजाइन किया जाता है कि ऑब्जेक्टिव रहे रिलायबल रहे और कंसिस्टेंट रहे इससे ये इंश्योर हो कि सारे बच्चे ढंग से इवेलुएट हुए हैं और uh, मतलब अगर हम एक तरह का अपना रहे हैं तो सारे बच्चों पर एजुकेशन सिस्टम मतलब ये जो है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेट है एजुकेशन सिस्टम का लेकिन इसके कुछ लिमिटेशन भी हैं ठीक है थीके? क्या लिमिटेशन हो सकती है सोचिए आप एक तो यही कि ये इमीडिएट फीडबैक नहीं देता है बच्चे को इट डज नॉट प्रोवाइड इमीडिएट फीडबैक टू द स्टूडेंट्स एंड कई बार स्टूडेंट्स फील स्टूडेंट फीलियस और स्ट्रेस फील करते हैं जब वो असेसमेंट ले रहे होते हैं ठीक है एडिशनली दे मे नॉट रिफ्लेक्ट स्टूडेंट फुल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट आपने टेस्ट लेके ग्रेड दे दिए एबीसीडी ई पर इससे ये तो पता ही नहीं चला कि बच्चे को कितना समझ में आया या उसकी अंडरस्टैंडिंग कितनी है केवल आपने उसकी नॉलेज देख ली कि उसने रटा था या नहीं रटा था या लर्न किया था नहीं किया था बट इससे हमें ये नहीं पता चला कि बच्चे को कितनी अंडरस्टैंडिंग हुई है कि उसको कितना नहीं है अगर आया तो क्या नहीं आया ये सब चीजें तो पता ही नहीं चली है ना सो ओवरऑल इट इज अ वेरी असेंशियल कंपोनेंट एंड ऑब्वियसली इससे टीचिंग का भी पता चलता है क्योंकि अगर अच्छा रिजल्ट आ रहा है तो कहीं ना कहीं टीचर की परफॉर्मेंस दिखती है बट अगेन इट इज ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन द स्टूडेंट्स एज वेल एंड इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग का पता चलता है हम स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस इवेलुएट कर पाते हैं और उनको फीडबैक दे पाते हैं इंप्रूवमेंट के लिए now by using a variety of assessment method educator can ensure that students are evaluated fairly यानी कि आप assessment methods को use करके educators ये ensure कर सकते हैं कि students को हमने evaluate किया है ढंग से fairly and उनके that they have the opportunity मतलब उनके पास ये opportunity है कि वो अपनी full understanding बताए मैं आपका कहूँ मैं कल आपका test लूँगी इस chapter का जो मैंने आपको पढ़ाया या suppose मैं आपको अभी बोलू कि इसके बाद मैं पांच क्वेश्चन दूंगी और आपके टेस्ट लूंगी कि आपको कितना समझ में आया तो इससे क्या होगा ना आप लोगों को आइडिया लगेगा कि हमें कितना आया आप अपना टैलेंट दिखा पाओगे कि हाँ भाई हमें समझ में आ गया तो इससे तीन चीजें पता चलेंगी कि मैंने कैसा पढ़ाया आपको कितना समझ में आया और साथ के साथ अगर आप बहुत अच्छा करते हो या आप कुछ क्वेश्चन सही करते हो तो ऑटोमेटिकली एक ये इन्फ्लुएंस निकलेगा कि आपने अच्छे से समझा ठीक है सो दिस इज असेसमेंट ऑफ लर्निंग बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा असेसमेंट फॉर लर्निंग ऑफ लर्निंग एज लर्निंग के लिए तीनों अलग टॉपिक हैं तीनों अलग अलग वीडियोज हैं जो मैंने बनाई हुई हैं आपको सारी वीडियो अप्रोचेज ऑफ असेसमेंट में मिल जाएंगी ये वाला टॉपिक एमएड का है बी में भी है बट एम की अप्रोचेज ऑफ असेसमेंट में काफ़ी डिटेल में पढ़ाया हुआ है इसको और साथ के साथ आप लोग क्या कर सकते हैं ना प्ले चेक कर सकते हैं बहुत सारी और वीडियोज उस पर हैं एंड आप मेरी वेबसाइट पे जाके जो आर्टिकल्स हैं वो रेफर कर सकते हैं फॉर योर इन्फॉर्मेशन साथ के साथ सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा अगर वीडियो अच्छी लगी है तो और बेल बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि आपको पता चल जाए जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ थैंक यू सो मच हैव एन नाइस डे एल सी नेक्स्ट टाइम इन द नेक्स्ट वीडियो